It's always a better idea to learn under the experience, and today I'm blessed because I have three masters along with me. Mr. Patel will lead us on billiards. Hi, sir. Mr. Navpreet will lead us on snooker. Hi, sir. And Mr. Manmeet will lead us on pool. So, sir, what will be the first step for a beginner like me? Pankaj, it's better we start from billiards first. Billiards first? Okay, so it means that the first charge of billiards comes to Mr. Patel. Sure. For billiards, we usually play with three balls. These are the ceramic balls. And white, yellow, and the object ball is the red ball. This is the prime. इस गेम के लिए सबसे पहले जैसे आप किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो बिल्डिंग में आपको एक फाउंडेशन की ज़रूरत है। इसी तरह से बिलियर्ड क्यू स्पोर्ट खेलने के लिए बिलियर्ड स्नूकर या पूल जो भी आप खेलें चूज़ करें उसके लिए आपको अगेन फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। और जैसे हर बिल्डिंग के चार पिलर होते हैं इसी तरह से क्यू स्पोर्ट खेलने के लिए भी आपको चार पिलर की ज़रूरत होती है। वन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एंड द फोरमोस्ट थिंग which is called is bridge. What? Bridge. Yeah. जो आपके हाथ का बनता है रखिए अपना हाथ ये आप हाथ को रख के अपने नकल्स को थोड़ा सा लिफ्ट कर रहे हैं और अपने थंब को इस फर्स्ट फिंगर के साथ मिलाया आपने दिस इज आप ये आपका ब्रिज बनता है दिस इज कॉल्ड द ब्रिज सेकेंड वन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस इज योर बॉडी बॉडी का जो स्टांस है कि आपकी कितनी फॉर्म है ये आपके लिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट है आपको बेंड होना है और बेंड होने के साथ साथ आपको अपना बॉडी बैलेंस भी मेंटेन करना है ओके सो यू आर बेंडिंग ऑन योर नीज लेफ्ट नी और आपका राइट नी हमेशा स्ट्रेट रहेगा राइट नी हमारा हमेशा स्ट्रेट रहेगा और इसको आपको बेंड तो यू हैव टू बी इन दिस पोजिशन दिस इज द सेकेंड वन थर्ड वन आपका आता है आपकी ग्रिप क्योंकि आप क्यू को पकड़ कैसे रहे हैं यूजुअली कई बार देखा गया है कि कई प्लेयर अंगूठा ऊपर रखते हैं कई बिल्कुल एंड से पकड़ देते हैं दो तीन मतलब उंगलियां उनकी खुली रहती है बट एक्चुअल ग्रिप आप इसको फर्मली पकड़ें लूज पकड़ें जैसे आप किसी को सपोज कीजिए कि आपने क्यू उठा के देनी है तो जस्ट आपने ये उठाया और ये पकड़ा रहे हैं तो दिस इज़ द ग्रिप ना ज़्यादा टाइट हो ना बिल्कुल ही लूज हो दिस इज़ द ग्रिप दीज आर द थ्री थिंग्स एंड सेकेंडली आपका एल्बो का एल्बो तो आप झुकने के साथ ही एल्बो आपकी पूरी नीचे लगी रहती है तो यहाँ से आप इसको अगर ये आप चार चीज़ें फॉलो करते हैं आप इस गेम को अच्छे ऑब्जेक्ट इस गेम का बिलियर्ड्स का ये होता है कि आपके पास ये तीन बॉल हैं ये आपकी हमेशा ऑब्जेक्ट बॉल रहती है आप और मैं अगर खेल रहे हैं तो आपकी एक बॉल हो गई दिस इज द स्ट्राइकर बॉल आप जब टेबल पे खेलने आएंगे तो आपकी ये क्यू बॉल मैं खेलने आऊँगा तो मेरे लिए ये क्यू बॉल हो जाएगी मेरे लिए जब मैं खेलने आ रहा हूँ तो ये दोनों बॉल्स मेरे लिए ऑब्जेक्ट बॉल हैं और मेरे लिए ये क्यू बॉल है आप खेलने आ रहे हैं तो आपके लिए ये क्यू बॉल हो गई और ये दोनों बॉल्स ऑब्जेक्ट बॉल हो जाएंगे एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बॉल एंड क्यू बॉल ऑब्जेक्ट क्यू बॉल इज द ओनली बॉल जिसको कि आप स्ट्राइक कर रहे हैं क्यू से ओके दिस इज द स्ट्राइकर बॉल विच इज कॉल्ड द क्यू बॉल और इस बॉल से ही वो दोनों टच होंगे दिस इज द स्ट्राइकर बॉल अभी मैं ऑब्जेक्ट बॉल है जैसे हमारा कैरम में होता है ये कॉइन है ये स्ट्राइकर है आप कैरम के हिसाब से अगर लेके चले तो ये आपके रेड बॉल को रेड बॉल को हम बेसिकली पॉट करते हैं कैरम में लेकिन यहाँ पे आप इसको स्ट्राइक कर रहे हैं आपकी येलो बॉल पॉकेट में गई है ओके एंड दिस गिव्स यू थ्री पॉइंट्स बिकॉज आपने ये थ्री पॉइंट रेड को टच करके आगे आपने इन ऑफ किया है दिस शॉट इज कॉल्ड इन ऑफ या ओके अगर मैं यही शॉट सेम शॉट इस वाइट बॉल के साथ खेलता इस शॉट ने मेरे को दो पॉइंट दिए दो पॉइंट कोई भी कनेक्शन आपका जो रेड के साथ जाता है वो आपको तीन पॉइंट देता है और वाइट के साथ कोई भी कनेक्शन दो पॉइंट देता है बेसिकली आप कहीं पर भी रख के इसको खेलेंगे आपका एम ये होना चाहिए कि इसके आप हाफ बॉल पे हिट कर रहे हैं हाफ बॉल पे ओके ये आपकी फुल बॉल है ये फुल बॉल कॉन्टैक्ट है दिस इज द हाफ बॉल दिस इज द हाफ बॉल कॉन्टैक्ट इस पे आप मारेंगे अब इसमें आपको अपना आई जजमेंट होता है कि आपने किस एंगल से पे रखे जैसे अब ये बॉल यहाँ पे है
आपने कहाँ से रख के मारा है कि ताकि हाफ बॉल लगे और हाफ बॉल लगने के बाद पॉकेट में जाए। तो पंकज अभी आपने देखा कि इन ऑफ शॉट क्या होती है, इसके साथ ही इसमें दो शॉट्स और होती हैं जिनसे कि जिनको खेलते खेलते पूरा गेम बनाया जाता है। एक और शॉट कहलाई जाती है जो कि आप स्ट्रेट, जैसे आपने कैरम में देखा कि मतलब आपने स्ट्राइकर से हिट किया और कॉइन पॉकेट में गया, द सेम इज हेयर, आपने स्ट्राइकर बॉल, आपकी जो भी स्ट्राइकर बॉल है उससे आपने हिट किया और रेड बॉल को पॉकेट में डाला। दिस शॉट अगेन गिव्स यू थ्री पॉइंट्स। रेड के साथ आपका जो भी कुछ होगा उसमें आपको तीन पॉइंट मिलेंगे, और वाइट के साथ अगर मैं इसी प्रपोजिशन में वाइट को अगर पॉट करता तो उसमें आपको दो पॉइंट। इसके साथ आपका एक और शॉट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है विच इज़ कॉल्ड कैनन। या कैनन मीन्स आपने स्ट्राइकर बॉल से दोनों ऑब्जेक्ट बॉल्स को टच किया। सिंपली दोनों बॉल को टच किया, ये कैनन कहलाया। एंड एवरी कैनन आपने रेड से पहले टच किया या येलो से वाइट से टच किया, इससे कोई फर्क नहीं, एवरी कैनन गॉट्स यू टू पॉइंट्स। आप जस्ट रेड बॉल को हाफ बॉल टच करेंगे, हाफ बॉल राइट और लेफ्ट, राइट साइड Finally, I got the shot. Yeah. So this is called your in-off. This is the end. We start with this फ्रेम ऐसे ही ये फ्रेम लगा होता है, दो ओपोनेंट्स खेलते हैं इसमें, तो इसमें हमारा जो प्लेइंग एटीट्यूड है वो ऐसे है कि जैसे हमने एक रेड बॉल पॉट करनी है इसमें, आफ्टर दैट वी हैव टू कंपल्सरी पॉट अ कलर आई मीन एनीवन व्हिच इज इजी टू पॉट इंक्लूडिंग ब्लैक। No, not only, you can pot black also, but any other color which is very easy to pot, which is very near the cushion, push cue ball and all, we can pot that. Got it. After the 15 reds got over, हम 15 red ball pot कर लेते हैं, उसके बाद it's a compulsory that we have to pot yellow. First. तो सबसे छोटा color है. हाँ जी. First. Yellow, then green, brown, blue, pink and black. Okay. इसी तरीके से हम इस गेम को खेलते हैं कि पहले एक रेड पॉट करनी है फिर कलर पॉट करना है, तो उसी तरीके से ब्रेक चलता रहता है, जब आपकी रेड्स खत्म हो जाती हैं उसके बाद ओपोनेंट को जो है वो इन कलर्स पे खेलना होता है। जैसे आपने खेलना है तो आपने पहले रेड को पॉट करना, रेड पॉट करेंगे उसके बाद आपने कलर पॉट कर सकते। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इसमें जो फाउल सिस्टम होता है उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे हमें। इसमें जैसे आपने विलेज में आपने इनऑफ देखा था, इनऑफ के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। यस। इसमें अगर आपकी वाइट बॉल पॉट हो जाती है, मींस स्ट्राइकर बॉल जिसे आप खेल रहे हैं, अगर वो पॉट हो जाती है तो इसके आपको फाउल ओपोनेंट को मिलता है विच इज फोर पॉइंट्स। हाँ जी, 4 point इज द मिनिमम फाउल। उसके बाद जैसे सपोज आपका ब्लू है, इफ यू आर प्लेइंग ब्लू और यू गेट अ इन ऑफ और यू डोंट टच अ ब्लू, यू टच अ एनी अदर कलर, देन यू गेट द ओपोनेंट विल गेट 5 points। क्योंकि ब्लू के जो पॉइंट हैं वो 5 हैं, ऐसे ही पिंक के जो हैं वो 6 point हैं। अगर आप पिंक खेल रहे हैं और फाउल हो जाता है आपसे तो ओपोनेंट को 6 points मिलेंगे। तो अभी जितना हमने समझा था थोड़ा आप हमें खेल के दिखाएंगे कैसे। जैसे हमने एक रेड पॉट कर लिए, रेड पॉट करने के बाद मैंने आपको बताया जैसे कि हमें कलर लेना है, तो मेरे इजी कलर में बस ब्लू है, आई पॉट ब्लू। अच्छा, सो नाउ अगेन यू विल टेक द वन रेड, आई टेक द कलर रेड अगेन, बट जो इसमें जब तक रेड बॉल आपकी पड़ी है टेबल के अंदर तो कलर जो है वो आपके जिस पोजीशन में लगे होते हैं उस पोजीशन में अगेन दे विल कम बैक। सपोज करिए रेड्स अगर पॉट हो जाती हैं सारी खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कलर होता है वहाँ से हम बिगिन करते हैं,
येलो येलो से हम पॉट ट्राई करते हैं। टेन ग्रीन पॉइंट वाइज जैसे आपको स्कोर बताएगी। जी पंकज, जैसे अब आपको मैंने बताया तो मैं चाहूँगा आप एक दो शॉट्स को ट्राई करिए। श्योर, डेफिनेटली। सो आपके हिसाब से मुझे किस बॉल को पॉट करना चाहिए? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था रेड पॉट होगी इस पे, तो जोन सी आपको इजी लगती है, कन्वीनियंट है जो पॉट करना, आप पहले उसे पॉट करिए। इसको ध्यान में रखते हुए कि आपने उसके बाद एक कलर को पॉट करना है, तो उस कलर की कॉलिंग बनानी ज़रूरी है। गुड शॉट। बाकी आप इसमें गेम्स रूल जो है फाउल वैसे ही है, अगर कोई स्नूकर लग जाता है तो आपको उसको मेसी मारना है या कुशन से करना। बाकी आप रूल जो है इसमें सिर्फ अगर आपका वन बॉल है तो वन ही टच करना, टू है तो टू ही टच करना। सो नंबर वाइज हमें पॉट करना, नंबर वाइज हमें इसको पॉट करना। आप सपोज वन पॉट कर लेते हैं, आप टू भी कर लेते हैं, आप एट तक पॉट कर लेते हैं और आपका आपकी एट जो है वो पॉट जाती है, लेकिन आप उसका नाइन नहीं पॉट कर पाते, सारी बॉलें आपने पॉट करी। आपका ऑपोनेंट अगर 9 पॉट कर दे तो वो फ्रेम जीतेगा, जो लास्ट में इसमें 9 पॉट करेगा वो बॉल वो जीतेगा। अगर जो सबसे पहले करते हैं वो जीतेगा। आई मीन लेट्स सपोज कि मैंने बॉल नहीं करी तो वैसे ही डायरेक्ट 9 कर दिया, सपोज इसे कि ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, आपको प्लेसमेंट में शॉट मिल गया, आप किसी की किसी बॉल के थ्रू ना आप उसको पॉट कर सकते हैं। इस बॉल की बॉल मिल गया आपको, ये शॉट है। तो अगर आपने 1 पॉट करना है तो हम अगर 1 से वन को टच करा के 9 पॉट करने तो आप जीते। तो कंटिन्यूशन चलता रहेगा, कंटिन्यूशन चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 जैसे भी है 9 तक चलता रहेगा, जो 9 डालेगा वो जीतेगा। सपोज आप सारी डालते हैं या आपका ओपोनेंट सारी डालता है, आपने लास्ट में 9 आपने डाल दिए तो आप जीतोगे। ओके, अब आप एक दो शॉट्स, आपको स्टांस का थोड़ा फर्क रहेगा कि इसकी हाइट नीचे है, इसकी हाइट है, इसका क्यू का थोड़ा मूवमेंट है, क्यू आप देखिए, क्यू का फर्क देखिए, स्टांस लीजिए, क्यू में आपको बेसिक फर्क नजर आएगा इसमें, इसे आप रेट करोगे। आपने जैसे ब्रेक करना है बॉल स्प्रेड होती है तो अगर आपको चूज वन बॉल नीचे आपको पॉट ब्लैक सॉलिड्स और साइड्स। ओके, अगर आप जो भी अगर आपने साइड्स दी है तो साइड्स को आपको फिनिश करना है, आप सॉलिड्स तो टच नहीं कर सकते, साइड्स आपको फिनिश करनी है, उसके बाद आपको ब्लैक लेनी है। लेकिन अगर बीच में आपकी ब्लैक नहीं पॉट हो जाती है या अगर आपसे गलती से भी चली जाती है आप इस लेंथ को लूज करते हैं। ओके, दिस लाइक कैम मतलब आपको पहले अपना पूरा बॉल खत्म करना है, साइड्स और सॉलिड जो भी आपका है, उसके बाद आपको नॉमिनेट करना है पॉकेट ब्लैक के लिए कि आप किस पॉकेट में डाल रहे हैं, उस पॉकेट में नॉमिनेट करने के बाद आपको पॉट करना है। सो बिफोर पुटिंग द बॉल इनटू द पॉट वी हैव टू नॉमिनेट, क्योंकि मैं सेंटर में डालूंगा। हाँ सर, इसमें मतलब जैसे आपको स्पोन हम बता देता हूँ, हम जैसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करना आपको वन नंबर पॉट। हाँ, इट्स ओपन फ्लेम। आपको नजर नहीं आ, लेकिन अगर यही शॉट में आपको कुशन टच कराना है तो ये शॉट डिफिकल्ट हो जाती है, आप इतना नेगेटिव नहीं खेल सकते।
colorful ball game requires lots of practice, and if you want to take this sport, then you can join Mega Pool and Snooker Academy. I'll go and join them again. Till then, you take a small break.